उल्लासनगर एलजीओ कार्यालय में नकली सनद घोटाले को मैंने उजागर किया है, जो नकली डॉक्यूमेंट बना के बैकडेटेड 1963-65 के रिकॉर्ड में डाले जाते हैं, उसके संबंधित मैंने हाल ही में एक पर्दाफाश किया है, जिसपे 300-400 सीडियों पे इंक्वायरी चालू है। और हाल ही में मुझे भी कहीं बाहर से ऐसे पता चला कि ये सब बातें अभी ऑफिस में होने लगी हैं, मुझे पता चला, उसके चलते मैंने एक आरटीआई डाली, जिसमें मैंने ये प्रेजेंट एसडीओ का पूरे कार्यकाल को सबके सामने लाने के लिए आरटीआई डाली कि भाई मुझे ये सब डॉक्यूमेंट दीजिए, आपने कौन सी समय इशू किए, क्या किए, जिसका उन्होंने साफ शब्द में जवाब दे दिया, ये आपकी माहिती मोहगम स्वरूप की माहिती है, जिसका हम आपको कोई भी जवाब नहीं देंगे, आपको किसकी माहिती चाहिए, पर्टिकुलरली किसका जवाब, किस कौन सी एड्रेस चाहिए, उसकी माहिती आप डालिए। मैं आपसे एक बात सीधा पूछना चाहता हूँ, हमारे शहर के ये अच्छे एसडीओ हैं, ईमानदार एसडीओ हैं, अगर उसने अपने कार्यकाल में जो भी काम किया है, हम आरटीआई के माध्यम से अगर उससे मांगते हैं तो उनको देने में क्यों संकोच हो रहा है, क्यों अपने काम की पारदर्शिता हमारे शहर के सामने नहीं लाना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो भी इन्होंने कामकाज किया है वो अपना पारदर्शिता करे शहर में, ना कि जो कोई आरटीआई डाले उसको बोलते तुम्हारा इससे क्या वास्ता, थर्ड पर्सन का क्या वास्ता, क्या किसी का ऑब्जेक्शन है, जबकि ऐसी सब बातें गलत है। इनको एक अभी न्यायपूर्वक ऑफिसर होने के हिसाब से इनको सब सच्चाई से काम करना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, अगर ये एक ईमानदार ऑफिसर है तो अपने काम की पारदर्शिता करें ना, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसी में खुद ही जवाब आ जा रहा है ये चीज़ों का। मुझे ऐसा पता चला है कि सुबह से शाम वहाँ पे 17 दलाल आते हैं शहर के, बड़े बड़े लोगों के पीछे, बड़े बड़े लोगों का हाथ है उसके पीछे। मुझे वो सब पूरी जानकारी इनके ऑफिस से मिलने दीजिए, मैं सब पारदर्शिता करूँगा थोड़े दिनों में। सब बड़े बड़े दलाल सुबह से शाम तक वहाँ पे रहते हैं, सिर्फ दलालों का काम होता है और किसी का काम वो ऑफिस में नहीं होता है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है, जिसके रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे आरटीआई डाली है।